बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। इस नारे के साथ देशवासियों की आंखों में धूल झोंकने वाली भ्रष्टाचारी मोदी सरकार की हकीकत देशवासियों के सामने बेनकाब हो चुकी है। हर रोज किसी न किसी घोटाले का पर्दाफाश हो रहा है। दूसरों को भ्रष्टाचारी का सर्टिफिकेट देने वाले, न खाता हूँ न खाने दूंगा का जुमला फेंकने वाले नरेंद्र मोदी जी अपनी ही सरकार के घोटालों पर मौन है। भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूँ न खाने दूंगा। अभी हाल ही में सीएजी की रिपोर्ट में मोदी सरकार में करोड़ों के घोटाले की बात कही गई थी। अब एक और ताजा घोटाले का खुलासा हुआ है। अल्पसंख्यक मंत्रालय की स्कॉलरशिप में 144 करोड़ 83 लाख रुपए का घोटाला सामने आया है। अब इस घोटाले को आंकड़ों से समझिए। 21 राज्यों के 5372 संस्थानों में से 830 संस्थान फर्जी निकले। लगभग 53% अभ्यर्थी फर्जी मिले। पिछले 5 साल में मात्र 830 संस्थानों में 144 करोड़ 83 लाख रुपए की हेराफेरी की गई। ये आंकड़े काफी हैं भ्रष्टाचार पर मोदी जी की नियत को सामने लाने के लिए। अल्पसंख्यक मंत्रालय की मंत्री स्मृति ईरानी है। मंत्री की नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला हो जाना मंत्री की नियत पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा है। इतने बड़े घोटाले में बीजेपी यानी भ्रष्टाचार जननी पार्टी की तरफ से कार्रवाई की उम्मीद करना बेमानी है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाले प्रधानमंत्री जी अपनी सरकार के घोटालों पर चुप्पी कब तोड़ेंगे? कब अपनी प्रिय मंत्री स्मृति ईरानी की भूमिका की भी जांच करवाएंगे? और कब दोषियों को सजा